Assalamualaikum everyone, welcome to our channel Eat and Repeat by Yashu and Razi. आज हम बनाएंगे the special chicken मलाई टिक्का. इसके लिए मैंने यहाँ पर दो बड़ा बड़ा चिकन लेग पीस ले लिया है एकदम थाई से. आप अगर चाहो तो चिकन को वॉश करने के बाद विनीगर में 10 मिनट्स के लिए सोक कर सकते हो. तो क्या होगा, उसका जो रॉ स्मेल रहता है वो नहीं रहता है, वो चला जाता है. फिर मैंने यहाँ पर वॉश चिकन में एक कप दही दे दिया है, खट्टा दही. एक कप मेयोनीज, एक कप फ्रेश क्रीम, स्वाद अनुसार नमक और काला मिर्च पाउडर. फिर मैंने यहाँ पर स्पाइसीनेस के लिए दो हरी मिर्ची को अच्छे से कूट लिया है, फिर उसको डाला है. और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाला है. गाइस, आई एम गोना शेयर यू अ इंटरेस्टिंग थिंग कि आईफोन एक हैरी पॉटर का सीक्रेट कमेंट फॉलो करता है. आप अगर है सीरी लूमोस बोलोगे तो आपका फ्लैशलाइट ऑन होगा, और आप अगर नॉक्स बोलोगे तो फ्लैशलाइट ऑफ भी हो जाएगा. है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द रेसिपी. फिर मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा नींबू का रस निकाल के उसको डाला है ताकि चिकन का जो रॉ स्मेल रहता है वो ना आए और एक टैंगी सा भी फ्लेवर आए. इससे क्या होगा, बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है. फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट को डाल के अच्छे से सारे चीज़ों को मिलाकर 30 मिनट के लिए मैरिनेशन पे छोड़ दिया है. फिर 30 मिनट बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी लिया है. फिर मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था उस मैरिनेटेड चिकन को प्रेशर कुकर में डाल दिया है. पानी यूज़ किया है इसीलिए ताकि वो प्रेशर कुकर से चिपक ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है. फिर मैंने यहाँ पर फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ले लिया है, यानी कि धनिया पत्ता. इसे बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस आता है. और थोड़ा सा ऑयल. फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के हमें 3 से 4 विसल आने देना है ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और फ्लेवर्स भी उसके अंदर चला जाए. देखिए ये अच्छे से पक गया है, चिकन ने भी पानी छोड़ा है. फिर मैंने यहाँ पर एक पैन लेकर उसमें बटर डाल के स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम को थोड़ा सा सौतेत कर लिया है. थोड़ा सा क्रिस्पी भी रहना चाहिए वो, और वो जो कच्चा बन वाला स्मेल है वो भी चला जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया था टेस्ट के लिए. अभी इसे अच्छे तरह से दोनों साइड से पका लेना है, फिर इसे निकाल लेना है पैन से. अगर आपको आईफोन वाला फैक्ट अच्छा लगा या फिर आपने ट्राई किया आपके फ़ोन के साथ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वर्क किया या नहीं. मुझे ये बात इंटरनेट से पता चला तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए. फिर मैंने स्लाइस्ड अनियंस ले लिया है. देखो अनियंस रिंग्स हो गए हैं क्योंकि मैंने सबको खिला कर लिया है. फिर ये इसको भी थोड़ा सा सौतेत कर लेना है नमक के साथ. फिर इसको भी हम निकाल के साइड पे रख देंगे. अभी देखो हमने कैप्सिकम और जो प्याज को सौतेत किया है ना, वो सिर्फ मतलब लास्ट में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, ऊपर टॉपिंग्स के साथ खाने के लिए रखा है. फिर मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल के उसको गर्म कर लिया है. फिर हमने जो चिकन को पकाया था उस चिकन को पैन के ऊपर रख के थोड़ा सा, यानी कि जो भुना हुआ सा एक चिकन, ग्रिल चिकन वाला एक फ्लेवर आएगा इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है. ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो,
बट इससे क्या होगा, मैं रिकमेंड करूँगी तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। फिर चिकन को ग्रिल करने के बाद मैंने सेम कढ़ाई में जो हमारा ग्रेवी था उसको भी थोड़ा डाल के बटर में थोड़ा सा पका लिया है। इसमें जो पानी था वो भी चला जाए, इसीलिए थोड़ा सा थिक हो जाए ग्रेवी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया था। ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही, रोटी के साथ तो एकदम मस्त लगता है ये ग्रेवी। फिर मैंने जो चिकन ग्रिल किया था उसको ग्रेवी के ऊपर प्लेस कर दिया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो फिर से खाने का मन हो गया। फिर मैंने यहाँ पर देखो ऑनियन स्प्रिंकल कर दिया है, जो हमने थोड़ी देर पहले कैरमलाइज्ड किया था। उतना ज़्यादा कैरमलाइज्ड नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा क्रंचीनेस भी आना चाहिए। और कैप्सिकम्स को भी रख दिया है। नाउ आवर चिकन मलाई टिक्का इज रेडी टू ईट। आगे जाके रमज़ान आ रहा है, ईद आ रहा है, आप कोई भी ओकेशन में इसे खा सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।